दोस्तों, मैं हूँ कपिल लाहौर आपका, और आज हम देखने वाले हैं लेटेस्ट टेक न्यूज़ जो अभी की अभी मुझे मिली है यूसी न्यूज़ पे। चलते हैं अपने यूसी न्यूज़ की तरफ। और ये न्यूज़ बता रहा है, ये आई न्यूज़ आई है न्यू दिल्ली से कि रिलायंस की जो 4G सिम है अब 2G और 3G फोन पे चलेगी। अभी जैसे न्यू दिल्ली में एक नया कैंपेन लगा था, वहाँ पर बताया गया जियो 4G के जो फ़ोन है उसमें 3G में भी चल सकते हैं। तो आप आपके पास 3G फ़ोन है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, आप टेंशन ना लें। आप 4G सिम खरीदें और 2G 3G में आनंद उठाएं। चलिए मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर हम वापस लौटते हैं। देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करना जरूरी। तो दोस्तों, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो मैं चला गया, पर अब हमारी बात थी कि जिनके पास अभी वो बजट नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि 4G फ़ोन ख़रीदें तो इतना बजट नहीं है हमारे पास, तो आप कहाँ से ख़रीदें 4G फ़ोन। तो अब आपके लिए खुशखबरी है, जो 4G और 2G 3G और 2G फ़ोन है उनके पास, कि अब रिलायंस ने उनके लिए 2G 3G में भी ये सेवा निकाल दी है, तो इसका लाभ उठाएं। तो अब अपन चलते हैं दूसरी, यहाँ आ रहा है कि एप्पल ने वो निकाल दी है, वो एप्पल ने भी नहीं वो निकाल दी है वो क्या है रिवील, उसने प्राइस की प्राइसेस बता दी है नए आईफोन की, और उसने बताया है एकदम हाई प्रोफाइल होगी इसकी, इसको ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आईफोन 7 हेडफोन जैक उसने एप्पल ने बोला है कि वो वो निकाल देगी, हेडफोन जैक तो निकाल ही दिया है, पर आईफोन वो जो आईफोन 2017 में निकलेगा आपको इतना महंगा पड़ेगा कि आप उसको नहीं ख़रीद सकोगे। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आईफोन 8 की, जो भी वो आप बोलो, एक पिक्चर एक डेमो वर्जन है जो एप्पल आईफोन 8 ऐसा बनेगा, ये तो रूमर्ड है खाली। वो जब असली आईफोन आता है तब फिर कुछ नहीं रहता, ये तो खाली यूँ ही निकाल दिए लोगों ने। और आईफोन 6 में जब 2000 वो जो जब 2006 में निकला था 14 में निकला था आईफोन 6, तब लोगों ने बोला था कि अब 2015 में डायरेक्ट आईफोन 7 आएगा, पर वो वैसा नहीं हुआ, डायरेक्ट आईफोन 6 ऐसा आया। इस बार भी ऐसा हो सकता है, ये सोचा जा रहा है कि अगर आईफोन 8 कैंसिल हो सकता है हो जाए तो आईफोन 7 ऐसा सकता है, या सितंबर से या जनवरी सितंबर के बीच में कभी भी आपके लिए आईफोन 7S आ जाएगा। और कंपनी ये बोल रही है कि एक नया कलर और जोड़ा जा रहा है, लाल रंग, जेट ब्लैक और ब्लैक हालन आए हैं पर अभी रेड और जुड़ने वाला है। और अब ये रेड कलर आपके लिए कैसा होगा ये आप ही जाने। तो जैसे कि हाला अभी आजकल ही नया कलर आया है जेट ब्लैक और ब्लैक, और अब आप लोगों के लिए रेड कलर भी जोड़ रही है एप्पल। तो ये क्या कर रही है एप्पल, रेड कलर जोड़ के क्या तुम्हारे पे बख्श रही है तुम्हें? इससे अच्छा तो तुम्हारे लिए स्टोरेज और बढ़ा देती, क्लाउड स्टोरेज दे देती, और कैमरे को वो दो कैमरा है तो उसको अच्छा सा 24 मेगापिक्सल या 21 मेगापिक्सल का कर देती, और फ्रंट को 13 का कर देती, और फ्रंट में फ्लैश दे देती। इससे अच्छा तो रेड कलर यूज़ कर रही है, इससे अच्छा तो भाई थोड़ा अपग्रेड कर दे तू आईफोन 8 को, इतना अच्छा कर दे, इतना माता पट्टी करें इससे अच्छा क्यों। दर्शकों, अगर आप सहमति चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा, हाँ या ना, आपको क्या चाहिए आईफोन 8 में और क्या नहीं चाहिए। और अब चलते हैं ब्लूटूथ की तरफ। ब्लूटूथ से एक न्यूज़ आ रही है, उसने कुछ 5 चीज़ें ऑफिशियली रिलीज़ की है के अब वो स्मार्ट वॉचेस से तो कनेक्ट होता ही है, अब वो स्मार्ट वॉचेस अपने फ़ोन से, अपन स्मार्ट वॉचेस से कनेक्ट करेंगे फ़ोन को, फिर स्मार्ट वॉचेस से अपन वायरलेस स्पीकर एंड इंटरनेट की कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, और 4.2 की जगह आप 5 आएगा या तो 2x या 4x से आएगा, ठीक है। और ये स्पीड देगा 2 Mbps ऐसा माना जा रहा है लोगों का, और मुझे तो कुछ नहीं लगता क्योंकि जेंडर है, जेंडर जिंदाबाद, क्योंकि ब्लूटूथ की स्पीड इतनी अच्छी कभी नहीं आती है दोस्तों। जैसा आप देखते हैं, ये मैंने एक बार किसी मेरे दोस्त को एक वीडियो भेजी थी
HD थी, मतलब 1080p, वो उसको लगे 15 मिनट आने के। इससे अच्छा जेंडर में आपको खाली 3 मिनट में आ रही है वीडियो, तो आप इतना ब्लूटूथ पे क्यों रो रहे हो? ब्लूटूथ को तो निकाल ही देना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ब्लूटूथ की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है फ़ोन के लिए। तो अब आप अपन अगली न्यूज़ पे चलते हैं। और जैसी आपकी सोच से, ये भी कमेंट में लिखना कि ब्लूटूथ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो अब अगली न्यूज़ आ रही है एप्पल से। एप्पल ये दावा कर रही है कि वो एयरपॉड्स क्रिसमस के बाद निकाले। पहले तो बोल रहे थे अक्टूबर के बाद निकालेंगे, और अब क्या बोल रहे हैं, क्रिसमस के बाद। फिर कभी बोल रहे आईफोन 8 के बाद निकाल दें, तो इनका क्या भरोसा है? ये एप्पल का कोई भरोसा नहीं है। आप तो कोई सादे से अच्छे से एयरफोन ले लो और चलाओ जिंदाबाद, इनके मामले में मत पड़ो। आप अगर एयरपॉड्स के लिए रुकना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और मेरी ये थर्ड वीडियो है, मैं एक इंडियन यूट्यूबर हूँ और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो रोज़ लाता रहा करूँगा। और अब हम देखते हैं कुछ नई चीज़ जो है नगेट का अपग्रेड आया है, वॉइस LTE सपोर्ट। वो वॉइस LTE भी के सपोर्ट देगा पिक्सल XL सीरीज़ में। और तो है, मुकेश अंबानी ने एक नया नेटवर्क कैरियर सिस्टम बनाया है। उसने बनाया है 9000 SMS एंड अनलिमिटेड हाई स्पीड डाटा देगा ये। नगेट को तो हाई स्पीड डाटा, और बाकी लोग क्या तेल लेने गए तुम्हारे लिए? बात तो यूँ कर रहे हो, हम लोग क्या तुम्हारे लिए जो 1 GB दोगे 5 सितंबर के बाद? तुम्हारे नौकर हैं हम लोग क्या? तुमने हम पे खर्च किया, हमने तुम पे? फालतू का क्यों दोस्तों? 7.1 में तो ये ना अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं, और अपने को 1 GB कम पड़ता है ना। अगर आपको 1 GB काफ़ी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़ दोस्तों। एक लाइक आप बस मुझे 10 लाइक दे दो अगली वीडियो के लिए। मैं अगली वीडियो 10 लाइक मिल गए और मैं अगली वीडियो निकाल दूंगा आपके लिए। और अब अपन अगली न्यूज़ पे आते हैं। और अगली न्यूज़ आती है कोई अच्छी न्यूज़ आपको दिखाता हूँ, ताकि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और मैं यूँ बोल रहा हूँ कि आप जो भी आपके आइडियाज़ है किसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको, वो मुझे भेजो। और रूमर ने ये बताया कि S7 Edge 9 दिसंबर ब्लैक जो बोल रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं कि एप्पल का कलर चुरा लिया, वो कर लिया, जेट ब्लैक जैसा एक कलर माना जा रहा है, वो 9 दिसंबर को आ रहा है। पर मैं तो बोलूँ कोरियन माल मत खरीदो, क्योंकि सैमसंग कंपनी अच्छी नहीं है। आप कुत्ता भी महंगा ले लो पर हैंग ज़रूर होता है। तो मेरी सोच तो यही है, आप सैमसंग ना लो, सैमसंग की जगह ले लो ज्यूमी ले लो, कूलपैड हो गया, ली टीवी हो गया, जो भी आप बोलते हो लेनोवो हो गया। लेनोवो का भी हाल ही में एक फ़ोन आया, लेनोवो K40, वो मेरे पास ही है, मैं भी उसी कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फ़ोन है, मैंने उसको 15-20 दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा फ़ोन है चलाने में, पर ये सैमसंग बहुत अटकता है। तो आपके देख लो, और अगर आपको लेना है, आपको क्या फ़ीचर अच्छा लगता है सैमसंग के बारे में, तो वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और तो आपको और न्यूज़ देखनी है तो अपन और न्यूज़ भी देख लेते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, iOS 10.2 आ रहा है नया, इसमें बग्स इश्यूज़ होंगे iPhone 6s शटडाउन इश्यूज़ के। मैंने देखा था मेरे किसी रिलेटिव के पास iPhone 6s है, कि जब 30% बैटरी थी आईफोन पर, क्यों ये जब iPhone 6s की बैटरी कब सही होगी मैं बताता हूँ। जब ये iPhone 8 के लिए बोलेंगे iPhone 8 आ गया और iPhone 6s तो रो रहा है, मुँह तो देख रहे नहीं है, क्या मतलब है iPhone का भी हैंग नहीं होता। एक दो बार अभी मेरे किसी रिलेटिव ने लिया था, अनबॉक्सिंग में ही पूरा हैंग होने लग गया, वो तो अनबॉक्स तो गया, चलने में 1-2 दिन लग गए उसको। इससे अच्छा था आप भाई एप्पल सैमसंग के बीच में ना पड़ो, लो तो iPhone 7 Plus या जो भी लेटेस्ट है वो लेना। और तो कोई या Xiaomi हो गया, ये जो मैंने कंपनी बताई इन्हीं का लो, क्योंकि ये सस्ता सुंदर टिकाऊ, 5 साल चलेगा, फिर आप नया ले लेना, और तो क्या है।
क्यों दोस्तों? और हवा अमी ने भी अभी नया फ़ोन किया था, वो ना रेट वो मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। डिज़ाइन में पीछे से ग्लास है तो टूट सकता है, तो क्या मतलब ऐसे फ़ोन का। और अब अगली न्यूज आ सकती है, जियो इफेक्ट ऑन प्राइजेस। वो ऐसा दबाव डाल रहा है कि जियो की वजह से यूँ हुआ है कि एयरटेल डूब गई, वोडाफोन, लोग ऐसा मान रहे हैं। मैं खुद मेरे शहर में लोग बोल रहे हैं कि एयरटेल तो डूब गई। अब क्या मतलब है एयरटेल का? एयरटेल को हटा दो, एयरटेल वोडाफोन, इनको क्या मतलब है इनका? क्यों दोस्तों? अगर हाँ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज़। और चलते हैं, और अब हम चलते हैं, देयर इज़ अ बिग बैंग ऑफ नोकिया। नोकिया वापस आ चुका है दोस्तों, जो अभी आपका स्टार्टिंग में फ़ोन आया था नोकिया 3310, वो अब वापस आ रहा है अपन नोकिया आपके पास। नोकिया अब निकालेगा एंड्रॉयड डिवाइसेस, और उसे 2012 में मर ली 7.2 मिलियन का उसको नुकसान हो गया। अब उसने एंड्रॉयड और आईओएस की मदद ली है वापस मार्केट में आने की। नोकिया पिक्सल, नोकिया ने खुद का पिक्सल निकाला है। वो रिपोर्ट आ रही है कि वो एंड्रॉयड पे होगा, और इन सब की इसके फीचर्स आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। 2 GB रैम, 13 MP, और इसका एक और आएगा 13 GB अलोंग विथ 16 MP। इसके इमेजेस तो आए नहीं है, पर मैं आपको दिखा जरूर दूंगा एक अगली वीडियोज़ में। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मेरे बहुत अच्छे दोस्तों को, पर वो आने में शर्मा रहे हैं, तो मैं उनका जिक्र अगली वीडियो में भी करूँगा। तो देखो ये आ गया है। हेलो हाय दोस्तों, तो दोस्तों अब आपके लिए आज की वीडियो बहुत काफ़ी है, और ये मेरा दोस्त है मितेश, इनसे भी मिल लो। और मुझे भी मिलाओ। अब मैं यूँ बोल रहा हूँ, चुप रहो, कि अब आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी मस्त वीडियो लाया करूँगा। अनबॉक्सिंग तो मैं कभी कभार ही कर पाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने नया फ़ोन लिया है लेटेस्ट, सो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए कि मैं अनबॉक्सिंग लाऊँ और ये वो करूँ। जितनी आपको टेक न्यूज़ दे सकता हूँ मैं उतनी टेक न्यूज़ दूँगा, गेम प्ले जो आपको चाहिए, और आपको कुछ और भी अलग चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स, क्विज व्यूज, आई विल गिव यू दैट मच ऑल्सो फ्रेंड्स। सो यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड गिव अ बिग थम्स अप टू माई चैनल, और जो भी सवाल हो आप डाउन कमेंट सेक्शन में कर देना। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई अच्छी न्यूज़ बताते हैं आपको, ताकि आपका मन खुश हो जाए लास्ट के टाइम में। और अपन देखते हैं नोट सेवन सबसे खतरा। ये जोक आ रहा था कि जो इंडियन आर्मी में बम ख़त्म हो गए, लोग नोट सेवन फेंक रहे, ये जोक आया जा रहा था। पर अब कंपनी तो ख़त्म करना है ना स्टॉक उसको, ये जल्दी ख़त्म हो एंड फिर अपने कोई टेंशन नहीं है, शेड निकालेंगे आराम से। तो वो क्या दे रहे हैं देखो, 128 GB का मेमोरी कार्ड फ्री, ले जाओ घर पे जाके फोड़ना बम बम सब अपने घर पे ही, सब लोगों को दिखाना बम फूटे, अरे भैया फूटे। तो ये फ़ोन मैं तो यही बोलना चाहूँगा, सैमसंग का नोट सेवन आप लें तो उसको बहुत ध्यान से रखें, और एयरपोर्ट पे तो ना ले जाएं, ये तो आप गए समझ लो वहीं पे सोच लो क्या हो जाएगा। और कुछ भी ले लो चलो। और ये माना जा रहा है कि पोकेमोन गो इंडिया में 2018 में आएगा, 2018। और अब आते हैं गेम न्यूज़ पे, मेन गेम न्यूज़ है GTA 5 एंड्रॉयड की। माना जा रहा है कि GTA 5 एंड्रॉयड में आ गया है, पर मैं दोस्तों कहना चाहूँ तो ऐसा नहीं है, ये सब फेक है। 108 MB का वो है, वो डाउनलोड करो, मैंने 2-3 वीडियोस को मैच करके देखा, सारी सेम है, सब सेम है दोस्तों, कोई न्यू नहीं है कि वो है। तो मेरा माना जाएगा तो मैंने रॉकस्टार के वो कस्टमर केयर पे फ़ोन करके भी पूछा था कि कब तक रिलीज होगा। दोस्तों आपके लिए अब टी मोबाइल इज रिटर्निंग फॉर यू, दैट कंपनी दैट हैज़ मेड द फर्स्ट एंड्रॉयड मोबाइल, दिस इज
कंपनी दैट कंपनी इज कमिंग टू इंडिया। हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, टी मोबाइल्स इंडिया में आ रही है। उसने यूएस में अपना पहला फ़ोन पहला एंड्रॉयड फ़ोन रिलीज़ किया था। सो जिनको ख़रीदना है वो ख़रीदना, इसके बारे में मैं इतना तो नहीं कहना चाहूँगा। और दूसरा देखते हैं, चलो ये क्या है, गेट दी स्मार्टफोन ओनली इन 1 rupee इफ़ यू बाय अ न्यू दिवाली डैश सेल 1+3 की 7+3T की। दोस्तों देखो खाली 1 rupee में December 9, 16, 23 द सेल विल फ्रॉम 12 noon to 6 PM यू विल गेट यू। देखो दोस्तों आप खरीद सकते हो, दोस्तों का आप खरीद लो खरीद, इसके लिए कुछ वो चीज होता होगा, आप करो ट्राई करो दोस्तों ट्राई। और अब आपके लिए मुझे अच्छी अच्छी न्यूज़ और देखूँ तो सही, क्योंकि आप हो वही गजब। क्योंकि देखो MI Mac लॉन्च इन इंडिया 15,000 जो भी होगा यार। चलो दोस्तों अब मैं आपको एक लास्ट न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ ही बोलना चाहता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड अगले साल एप्पल आईफोन 8 में ये माना जा रहा है कि अगले साल आईफोन 8 में डिच होम बटन आएगा। डिच क्या होता है अभी तक पता नहीं। वी विल गेट S8 में डिच बटन आएगा, ज़्यादा नहीं वर्चुअल होम बटन, वो भी हैंडसेट के डिस्प्ले के नीचे आएगा। क्या है ये डिच बटन, अगर आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ ऑल अदर्स। सो कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना। और अगर आपको भी कोई पता चले GTA 5 एंड्रॉयड के लिए कोई वे पता लगे तो प्लीज़ मुझे भी बताना, क्योंकि मैं GTA 5 का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है भाई, ओके फ्रेंड।